की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाया गया है। यह मामला बड़ारा थाना अंतर्गत है, जहां पे कल एक सूचना शाम को 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि 3 अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और एक बाइक में हथियार के साथ घूमते हुए देखे गए हैं। जैसे सूचना प्राप्त होती है, सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थानाध्यक्ष बड़ारा और उनकी टीम जो 3 मुहानी है वहाँ पर बड़ारा बाजार के पास में, वहाँ पर जब घेराबंदी करके चेक करती है तो उनको जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो तीनों वो भागने लगते हैं। तो उसी के क्रम में पुलिस ने खदेड़ कर जो है एक तो पहले ही कूद के भाग गया था, 2 को जो है दबोचने की कोशिश की, लेकिन एक अपराधी और एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्टल ये जो है पुलिस ने पकड़ा। बाकी एक और अपराधी जो है वहाँ से भागने में फरार रहा, लेकिन उसका सत्यापन कर लिया गया है कि कौन था और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है। तो जो मुख्य अपराधी इसमें गिरफ्तार हुआ वो उसका नाम अजय सिंह उर्फ छोटेलाल सिंह, ये पररिया बढ़ारा का रहने वाला है और इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक अपाची मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। बाकी अन्य जो दोनों भागे हुए उनकी भी गिरफ्तारी के लिए उनका नाम पता कर लिया गया है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है, जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसे प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये संभवतः किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी अन्य लड़कों के साथ जाने वाले थे और उसी क्रम में किसी लड़के के द्वारा ये सूचना दी गई थी और उसी सूचना के आलोक में जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और देसी पिस्टल को बरामद किया गया। भोजपुर पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व एक अपराधी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया, जिसकी जानकारी भोजपुर SP प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि भोजपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बड़ारा थाना अंतर्गत बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व एक अपराधी को अवैध देसी पिस्टल और एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी बड़ारा थाना क्षेत्र के पड़रिया निवासी अजय सिंह उर्फ छोटेलाल सिंह है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बड़ारा थाना क्षेत्र के पड़हरा में 3 मुहानी के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी अवैध हथियार लिए हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। उक्त आसूचना के सत्यापन, अवैध हथियार की बरामदगी, अपराधी की गिरफ्तारी हेतु बड़ारा थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक ब्रिज बिहारी राय, बड़ारा थाना एवं थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ारा 3 मुहानी के पास सघन वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में पुलिस की टीम को देखकर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें से सशस्त्र बलों के द्वारा खदेड़ कर एक अभियुक्त को पकड़ा गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाया गया है। यह मामला बड़ारा थाना अंतर्गत है, जहां पर कल एक सूचना शाम को 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि 3 अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और एक बाइक में हथियार के साथ घूमते हुए देखे गए हैं। जैसे सूचना प्राप्त होती है, सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थानाध्यक्ष बड़ारा और उनकी टीम जो 3 मुहानी है वहाँ पर बड़ारा बाजार के पास में, वहाँ पर जब घेराबंदी करके चेक करती है तो उनको जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो तीनों वो भागने लगते हैं। तो उसी के क्रम में पुलिस ने खदेड़ कर जो है एक तो पहले ही कूद के भाग गया था, 2 को जो है दबोचने की कोशिश की, लेकिन एक अपराधी और एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्टल ये जो है पुलिस ने पकड़ा। बाकी एक और अपराधी जो है वहाँ से भागने में फरार रहा, लेकिन उसका सत्यापन कर लिया गया है कि कौन था और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है। तो जो मुख्य अपराधी इसमें गिरफ्तार हुआ वो उसका नाम अजय सिंह उर्फ छोटेलाल सिंह, ये पररिया बड़ारा का रहने वाला है और इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक अपाची मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। बाकी अन्य जो दोनों भागे हुए उनकी भी गिरफ्तारी के लिए उनका नाम पता कर लिया गया है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है, जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसे प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये संभवतः किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी अन्य लड़कों के साथ जाने वाले थे और उसी क्रम में किसी लड़के के द्वारा ये सूचना दी गई थी और उसी सूचना के आलोक में जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और देसी पिस्टल को बरामद किया गया।